कुमारी बद्री श्री गोपाल राय जी आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं और ये 3 दिन का प्रोग्राम जो है हमारे उम्मीदवार विधानसभा उम्मीदवार उनके कैंपेन मैनेजर उनके फंड मैनेजर उनके प्रवक्ता इन सभी का लगातार 3 दिन तक सभी जो प्रोफेशनल प्रशिक्षण देने वाले हैं उनके साथ रहेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए या आगे इसकी डिटेल के लिए मैं डॉक्टर संकेत ठाकुर जी एवं गोपाल राय जी को निवेदन करता हूँ कि आप की बातों को साथियों आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। आज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय जी उपस्थित हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ चुनाव प्रबंध प्रभारी श्री राकेश सिन्हा जी उपस्थित हैं। एक वृहद कार्यक्रम आगामी 3 दिनों तक चलेगा जिसमें कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी उसका प्रशिक्षण देश के जाने माने सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथियों को जानकारी देंगे और इसके आधार पर गोपाल राय जी के नेतृत्व में 29 जुलाई को एक वृहद प्रशिक्षण योजना तैयार की जाएगी चुनाव अभियान को लेकर। चुनाव अभियान की अंतिम रणनीति का 30 जुलाई को तय कर दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह दिल्ली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ वैसे ही परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इस बारे में विस्तार से जानकारी आदरणीय गोपाल राय जी। छत्तीसगढ़ में बदलाव की मुहिम को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है। पिछले 1.5 महीने में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा के पश्चात जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश में काम किया है, आज छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। जो लोग ये प्रश्न उठाते थे कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में दिखती नहीं है, क्या कर पाएगी, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतिहास 1+1 2 का नहीं रहा। आम आदमी पार्टी का इतिहास 1-1-11 का रहा है। दिल्ली में भी इसी तरह से जब आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी लोगों को भरोसा नहीं था कि एक नई पार्टी क्या कर सकती है। बड़े बड़े दिग्गजों के सामने 15 साल की कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में 15 साल से भाजपा की हुकूमत है। 15 साल दिल्ली में विपक्ष में भाजपा बैठी थी, दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। तो इन पुरानी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने एक नई नवेली पार्टी क्या कर सकती है, दिल्ली के आम लोगों ने, गरीबों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने मिल करके वो परिश्रमा किया और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 1.5 महीने से जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी से दहशत खा रही है। जिसकी वजह से जब माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आए कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर संकेत ठाकुर, हमारे महिला विंग के प्रदेश संयोजक, हमारे तमाम उम्मीदवारों को जेल के सीकचों में,
फर्जी धाराएं लगा करके बंद किया गया, जिसके कि आम आदमी पार्टी के प्रचार के अभियान को रोका जा सके। लेकिन जेल में जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरने वाले, हमने मुहिम को और तेज किया, पूरे प्रदेश के अंदर सम्मेलनों का दौर चला। और आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे भाजपा के विधायक हो, पहली बार कोई पार्टी आंख से आंख मिला करके हिसाब मांगने के लिए उतरी है। क्योंकि जो विधायक के पास पैसा आता है, सांसद के पास पैसा आता है, सरकार के पास पैसा आता है, वो जनता का पैसा है। और ये राजनीति शुरू होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर भी, कि चाहे वो विधायक हो चाहे सरकार हो, अपने 5 साल का हिसाब जनता के सामने रखे कि जो टैक्स का पैसा आया, जो विधायक निधि का पैसा आया, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, किन मदों में खर्च हुआ है, क्योंकि वो पैसे का मालिक जनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब विधायकों का घेराव करने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और पदाधिकारी पहुंचे, छत्तीसगढ़ का अधिकतम विधायक घर छोड़ के भाग निकला। कुछ विधायकों की खबर आई कि जिन्होंने आकर के सामना किया और बात रखने की कोशिश की। ये सच्चे जनतंत्र को, जनता को स्थापित करने की जो लड़ाई है, आम आदमी पार्टी जारी रखेगी। सड़क पे संघर्ष और आंदोलन के साथ साथ आज देश के सामने भी और छत्तीसगढ़ के सामने भी जिस तरह से एक नफरत की राजनीति को खड़ा किया जा रहा, एक छद्म हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से वैचारिक तौर पर मुकाबला करने के लिए, उसकी रणनीति को बनाने के लिए भी आम आदमी पार्टी देश की बात 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चंपारण में आयोजित करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी हमारे घोषित प्रत्याशी, उनकी कोर टीम उसमें हिस्सेदारी करेगी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। और इस चर्चा के बाद आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो के केंद्रीय बिंदु क्या होंगे, वो भी इस 3 दिन के विचार मंथन से निकल करके आएगा। साथ ही साथ इस 3 दिन के चर्चा में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी हम इस मंथन में चर्चा करेंगे। और वो प्रस्ताव हम अपने राष्ट्रीय संयोजक और हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उस तक पहुंचाएंगे, जिस पर जल्द ही फिर आगामी दिनों में निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, हमारा नेतृत्व कौन होगा छत्तीसगढ़ में। तो 3 बिंदुओं को लेकर के ये 3 दिन का मंथन हम कर रहे हैं। पहला, एक वैचारिक तैयारी करना अपने पूरे कैडर की, दूसरा अपने मैनिफेस्टो को तैयार करना उनके मूल बिंदुओं को, और तीसरा नेतृत्व को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे कि आगामी दिनों में हम किस चेहरे के और किस नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे संगठन अपने मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, खासतौर से जो ठेकेदारों के माध्यम से जो कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। दिल्ली के अंदर एक एक करके सरकार इस बिंदुओं पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो आउटसोर्सिंग पर जो ठेकेदारों के माध्यम से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जो शोषण है उसको लेकर जो आंदोलन है उसका पूरी तरह से समर्थन करेगी। और साथ ही साथ आज हम एक प्रश्न उठाना चाहते हैं, अखबारों में भी खबर है और जो हम लोगों की रिपोर्ट है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज न तो स्कूलों में अध्यापक हैं, न नई भर्ती हो रही है, न तो स्कूलों में बिजली की व्यवस्था है, पूरी तरह से प्राइमरी स्कूल को ध्वस्त किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा। प्राइवेट स्कूल के माफियाओं के
सह पर और उनको संरक्षण देने के लिए सरकारी स्कूलों को ध्वस्त किया जा रहा है, और जिसका दुष्प्रभाव है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो गरीबों के बेटे बेटियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो अपने बेटे बेटियों को बेहतर शिक्षा न दिला सके। मैं रमन सिंह सरकार की इस मामले में कड़ी प्रार्थना करता हूं और ये मांग करना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार इस पर तुरंत गौर करे, और अगर ये गौर नहीं करती है तो शिक्षा को जो शिक्षा की दुर्दशा करने जा रही है और इसी तरह से रोजगार की दुर्दशा है, तो कुल मिलाकर के नौजवानों की कमर तोड़ने की कोशिश जो भाजपा एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है कि जिससे लोग गरीब के गरीब बने रहें और उसके अनाज पर जीने के लिए मोहताज हों, ये जो सिस्टम भाजपा स्थापित करना चाहती है, अगर भाजपा इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो फिर इस चिंतन शिविर में जो 3 दिन तक चल रहा है, आगामी दिनों में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के एक बड़े आंदोलन की भी रूपरेखा आम आदमी पार्टी तैयार करेगी और इसको लेकर सड़क पर भी उतरेगी। तो ये परिप्रेक्ष्य है जिसके तहत हमारा दौरा है और 3 दिन तक ये शिविर चलेगा, फिर 30 तारीख को जो सारा निर्णय होगा 30 तारीख को आप लोगों से मुखातिब होगा और आपसे बात होगा। गोपाल जी, आपने जो सबसे बड़ी चीज है छत्तीसगढ़ में एजुकेशन के साथ साथ पुलिसिंग और हेल्थ और पेयजल भी एक नई समस्या के रूप में उभर कर आया है। आपने शिक्षा पर ध्यान दिया है, इन चारों बिंदुओं पर आपकी अपनी पार्टी का क्या मत है? देखिए, हमारी पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि हमारी पार्टी का तो मिशन ही है शिक्षा और स्वास्थ्य, जिस मिशन पर अगर आपको पता हो कि देश के अंदर हर सरकारों का बजट कहीं पर 5% बजट है शिक्षा पर, कहीं 6% है। देश की पहली पार्टी है जिसने शिक्षा का बजट 25% अपने बजट का किया और स्वास्थ्य का बजट 17% किया, क्योंकि हम लोगों का मानना है किसी भी समाज के बदलाव के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो इस पर हम काम करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, दिल्ली में भी हम कर रहे हैं ऑलरेडी। जहां तक आपने बात की अन्य बिंदुओं को लेकर के, जैसा मैंने कहा कि एक एक करके मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सारे बिंदुओं को लेकर के ये 3 दिन का जो हम विचार मंथन कर रहे हैं इस पर पूरा एक एजेंडा हम तैयार करेंगे और 30 तारीख को आपके सामने रखेंगे। आपने जांच की है शिक्षा के लिए, आपका डाटा क्या है? तो एक प्रश्न पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आपने भी जांच की है बोल रहे हैं, तो आपका कुछ डाटा है इसमें? देखिए, डाटा भी आपके सामने हम रख देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि डाटा से ज्यादा अभी आप हकीकत में जाकर देखिए। अभी आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 महीने से हमारे उम्मीदवार सीधी बात करने गांव-गांव गए हैं और उनकी जो रिपोर्ट है कि कोई भी ऐसा प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल नहीं हो जिसकी दशा और जिसकी दिशा ठीक हालत में पाई गई। आज गरीब मजबूरी में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा रहा है, जिस स्कूल में प्रिंसिपल पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है प्राइमरी स्कूल में, आज छत्तीसगढ़ में उस प्रिंसिपल और टीचर की भी हिम्मत नहीं है कि अपने बेटे बेटी को उस स्कूल में पढ़ाए। दिल्ली के अंदर हमने कायापलट की है, आज दिल्ली का विधायक अपने बेटी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ के अंदर अगर किसी भी दूर की बात छोड़ दीजिए, इस रायपुर के ग्रामीण इलाकों में आप प्राइमरी स्कूल में एक दिन विजिट कर लीजिए, आपको सारा डाटा और सारी हकीकत मिल जाएगी। चलिए, सर्व आदिवासी समाज के कुछ नेता से मिल रहे हैं, कुछ बंधन या कुछ ऐसी बात हो रही है? देखिए, जो लोग भी बुनियादी बदलाव की बात सोचते हैं उन सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे अन्य जो कर्मचारी आंदोलन के लोग हों, या और जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि बदलाव की लड़ाई में सब लोगों की भूमिका। ये जो महागठबंधन बन रहा है इसमें भी शामिल हो सकते हैं क्या, जो कांग्रेस बसपा जो भी बात चल रही है, तैयारी चल रही है, तो भाजपा को रोकने के लिए इसमें भी शामिल हो सकते हैं क्या? देखते हैं, मतलब है
खुला है, अभी देखते हैं कुछ बने तो पहले मतलब मना नहीं किया आपने। और कोई सवाल? ये मुख्यमंत्री जो चेहरा जो होगा वो स्थानीय होगा कि कहीं कुछ करने से कहीं? मुख्यमंत्री का चेहरा तो स्थानीय होता है। जो यहाँ चुनाव लड़ेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। कुछ ऐसे भी तो चेहरे कुछ बता सकते हैं किन पर बात चल रही है कुछ दिन? ये तीन दिन की चर्चा के बाद आपको सीधे सामने आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।